कुछ नहीं बदल सकता इस दुनिया में। हम सब हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। कोरोना वायरस वही करेगा जो उसे करना है, और हम लोग घरों से बाहर निकलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, खाने का सामान बिना हाथ धोए हम खाएंगे, हम जगह जगह भीड़ लगाएंगे, घूमने के लिए बाहर निकलेंगे और ऐसी जगह भी जाएंगे जहां जाना जरूरी नहीं है। यही तो चाहता है कोरोना वायरस कि आप बाहर निकलो और वो आपकी जान ले सके, वो आपको संक्रमित कर सके। ऐसा तो कोरोना वायरस जीत जाए और पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाए, और ऐसा संकट बन जाएगा जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा, और तब तक न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हों। ऐसा तो हम कभी जीत ही नहीं सकते इस वायरस से। क्या दुनिया में सच में कोई परिवर्तन आएगा? क्या लोग वापस बिना किसी डर के अपना जीवन जी पाएंगे? क्या हर देश वापस उन्नति कर पाएगा? क्या सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा? हाँ, सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। फिर से एक नई सुबह की शुरुआत होगी, फिर से लोगों की जिंदगी वापस पटरी पर आने लगेगी, फिर से लोग वापस अपने अपने कामों पर जा सकेंगे, फिर से लोग अपनी खुशहाल जिंदगी जी सकेंगे, और कोरोना वायरस कुछ भी नहीं कर पाएगा। जीत हमारी ही होगी, इस दुनिया की होगी, और कोरोना वायरस को हारना ही पड़ेगा। अगर हम सब मिलकर ठान ले कि कोरोना वायरस को हराना है तो वो जरूर हारेगा। कोरोना वायरस को इन इन तरीकों से हराया जा सकता है। अगर हम सब मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तो, अगर हम सब मिलकर लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन करें तो, अगर हम जब तक कि जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले तो, और अगर घर से बाहर निकलना भी पड़े तो मास्क और ग्लव्स पहनकर निकले तो, अगर लोग बार बार हाथ धोने के लिए साबुन या फिर सैनिटाइजर का उपयोग करें तो, अगर हम खांसते और छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करें और उसे फेंक दे और वापस हाथ धोएं तो, अगर हम संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचे तो, अगर हम घर से बाहर जाते भी हैं तो वापस आने पर घर के बाहर ही अपने हाथों और पैरों को धोकर घर में प्रवेश करें तो, और यदि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी संदिग्ध व्यक्ति के संपर्क में आ गए हो तो घर आते ही आप स्नान करें, भाप लें और गर्म काढ़ा पिए तो, और अगर हम सब एकजुट होकर प्रार्थना करें तो, इन सभी बातों को फॉलो करने से कोरोना वायरस जरूर हारेगा। जीत हमारी ही होगी, जीत इस पूरी दुनिया की होगी। हमें इन सारी बातों को फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी हम जीतेंगे और कोरोना वायरस का अंत होगा। और हम सभी को कोरोना वायरस के जितने भी वॉरियर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो या फिर पुलिस वाले हो या कोई भी हो, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें सैल्यूट करना चाहिए कि वो आगे होकर कोरोना वायरस से लड़ाई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। याद रखना आप हमेशा कि सावधानी को अपनाना है और कोरोना वायरस को हराना है। जीत हमारी ही होगी। स्टे होम, स्टे सेफ।